Hello everyone, today we will solve multiple choice question exercise of chapter 5 class 9th RS Agarwal Math. ये exercise आपकी पेज नंबर 176 पर है, क्योंकि इस exercise में कोई अलग से नेम नहीं दिया हुआ है, बस हाइडिंग डाल रखी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसलिए मैंने पेज नंबर बता दिया आपके 176 है, क्लास 9th RS Agarwal Math की चैप्टर 5. टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4 लाई. तो माइनस माइनस किस में पढ़ते हैं, चलो एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, क्योंकि शुरू से इसी तरह से क्वेश्चन होंगे किस क्वाड्रेंट में किस में नहीं. देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस हो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस तो पता ही है, और यहाँ होते हैं एक्स की वैल्यू माइनस वाई की प्लस, यानी कि माइनस प्लस. थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, तो कैसे हैं दोनों के साइन माइनस, तो किसमें पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे. तो आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, ये दे रखा है इफ एक्स इज इक्वल जीरो एंड वाई इज इक्वल जीरो, घुमा के दे दिया एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स वैल्यू प्लस है, और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल बोल गया शायद, है ना, ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर जीरो, तो जीरो से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स के साइन पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की भी पॉजिटिव है. देन द पॉइंट एक्स वाई, तो हमें बताना है एक्स वाई कहाँ पड़ेंगे, प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था, इन्होंने थोड़ा घुमा के दिया है. नेक्स्ट थर्ड, इसी तरह से है कि इफ ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, देन ए कॉमा बी, ए लेस देन जीरो यानी कि ए की वैल्यू क्या नेगेटिव, बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी है पॉजिटिव. माइनस प्लस किस में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, हमने बताया था एक्स की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन 4, अ पॉइंट बोथ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. देखो नेगेटिव नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये होता है थर्ड, ये फोर्थ, है ना, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज इन ऑप्शन सी इज गिविन थर्ड क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन में थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन नहीं यानी कि 0 0 कोऑर्डिनेट्स नहीं है, फॉर विच एप्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल बी लाई इन द क्वाड. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन, सोच के था ना, ये ओरिजिन के अलावा यानी कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम है, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे. अब देखो सेम कैसे हो सकती है, हम क्या होता है जल्दीबाजी में आंसर एक लिख देते, इसके दो आंसर होंगे, कैसे सेम हो सकती है, हो सकता है दोनों प्लस के फाइव हों, या हो सकता है दोनों माइनस, कोई जरूरी नहीं फाइव हो, मतलब कहने का पॉजिटिव भी दोनों सेम हो, या दोनों नेगेटिव भी हो सकता है. तो दोनों के साइन सेम कौन से क्वाड्रेंट्स में होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, दिखाता हूँ मैं. देखो फर्स्ट में क्या होते हैं, प्लस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस. तो जब दोनों की वैल्यू सेम है, हो सकता है दोनों की पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है दोनों की नेगेटिव, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब हमें सोचनी पड़ेंगी. तो किस में पड़ेगा, आइदर इन फर्स्ट और इन थर्ड, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, सी में ऐसे लिख रखा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट. तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं -5.3 एंड 3.-5 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, सेम में तो पढ़ ही नहीं सकते किसी के, तो में इसकी एक्स वैल्यू नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, पहला ऑप्शन तो हो गया. सेकंड ऑप्शन दे रखा है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये भी फेल हो गया. थर्ड ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सही है, माइनस प्लस सेकंड में पड़ता है, प्लस माइनस फोर्थ में, देखो दिखाता हूं, माइनस प्लस सेकंड में और प्लस माइनस फोर्थ में. तो ऑप्शन सी
इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इधर कहा है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला इसमें पड़ेगा ये इसमें पड़ेगा। क्यू ए डी लिख के छोड़ दिया क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7, इसमें चार पॉइंट दे रखे हैं, 1-1, 2-2, -3-4, 4-5। पॉइंट्स 1-1, 2-2, -3-4, 4-5 ऑल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑप्शन दिखा है कि एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये दोनों तो सेम में पड़ेंगे और ये दोनों बिल्कुल अलग पड़ेंगे, तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं। सेकेंड ऑप्शन दिखा है ऑल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बेकार हो गया, एक ही क्वाड्रेंट तो सब आएंगे नहीं। ऑल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल गलत। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन हो गया। इसमें कह रहा है कि ये सेम क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेंगे, ऑप्शन में ये लिखा हुआ है डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, इन द सेम क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 0, -8। यहां पर x की वैल्यू 0 है, y की दे रखी है, तो एक y एक्सिस पर होगा। बताया था दोनों में से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू दे रखी हो और दूसरी 0 हो, अगर एक 0 है तो जिसकी वैल्यू दे रखी है y की है तो y एक्सिस पर पड़ेगा। पढ़ते हैं पूछा क्या है, लाई ये पूछा है। फर्स्ट दे रखा है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बेकार हो गया। बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, गलत हो गया। ऑन द x एक्सिस, x वैल्यू 0 नहीं पड़ेगा। डी बच्चा ऑन द y एक्सिस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द y एक्सिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट -7, 0। यहां भी एक 0 है, x की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या होगा ऑन द x एक्सिस, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, हाँ ये सही है बात, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसमें नेगेटिव का कुछ दे ही नहीं रखा था, खाली y एक्सिस रखा था, तो ऑप्शन समझ में आ गया ना। कैसे हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव एक्सिस कहलाता है, इंडिवली बताया था ये होता है नेगेटिव, -7, 0 यहाँ कहीं आएगा तो ये क्या कहता है यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव x एक्सिस, वही ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन of the x axis, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है द पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पड़ता है, y एक्सिस पड़ता है तो x की वैल्यू तो 0 हुई है ना। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो बस समझ में आ गई, y एक्सिस पर तो है और 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि बाई की वैल्यू क्या होगी -5 और x की क्या होती 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -5। ये पॉइंट पूछे थे कौन से होंगे, ए दे रखा -5, 0 तो नहीं होगा, बी दे रखा 0, -5 तो बी हो गया बी ऑप्शन, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, -5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि हमने बताया 0, -5 आ रहा है तो 0, -5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, क्या होती है हमेशा वाई की वैल्यू 0, और वाई को बोलते हम ऑर्डिनेट, ORDI है ना कि कोऑर्डिनेट करना, ऑर्डिनेट्स, और एक्स कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं एब्सिसा, तो द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, कहां पड़ेगा हमेशा, जब वाई की वैल्यू 0 होती है तो हमेशा कहां पड़ता है एक्स एक्सिस पर, यहां बताया था एक्स एक्सिस पर पड़ता है जब वाई की वैल्यू 0 हो, जैसे इसकी पॉइंट क्या होंगे -1, 0, इसके -3, 0, इसके 3, 0, तो वाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स कुछ हो सकता है, तो लाई ऑन ऑलवेज एक्स एक्सिस, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है ऑन द एक्स एक्सिस।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 13 कितनी इजी चैप्टर था, है ना, 13 में। अच्छा ओके, ये दे रखा है एफ ओ कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखे हैं, ए के 3.0 दे रखे हैं, वी के 3.4 दे रखे हैं और सी के 0.4 दे रखे हैं। तो कौन सी फिगर होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, ट्रेपेजियम होगी, रोम्बस होगी। चलिए मैं आपको हल्का सा रफ से ड्रॉ कर दे रहा, अगर ओरली ना समझ में आए। देखो पहला 0 0 तो ये हुआ, 3 0 1 2 3 0 ये हो गया, ये ओ ये ए, 3 4 3 1 2 3 4 ये आ गया बी, 0 4 0 1 2 3 4 ये आ गया सी। इसको मिला दें तो ये कैसा बनना है, रेक्टेंगल से लग रहा है। अब ये देख रहे हैं कि चारों साइड्स इक्वल तो नहीं है, ये कितनी है 1 2 3, ये 3 यूनिट है, ये 4, ये 3, ये 4, और ये पता है ये एक्सिस हमेशा 90 डिग्री मिलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, तो क्या हुआ रेक्टेंगल। तो ये हमें बी ऑप्शन में गिवन है रेक्टेंगल, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये था 13। हाँ तो 13 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फिगर ऑप्टेन इज रेक्टेंगल। नाउ 14, इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं, ओके पॉइंट ए दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए -2 3 एंड बी -3 5 आर टू गिवन पॉइंट, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। अच्छा एब्सिसा ऑफ ए क्या होगा, -2, एक्स कोऑर्डिनेट्स का एब्सिसा होते हैं, माइनस करना इसमें से एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा ऑफ बी क्या है -3, तो क्या हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 3 और 3 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है 1। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 15, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, ये हमने इंट्रो में डिस्कस करा था, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए 3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो 3 यूनिट होगी, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए में दे रखा 3 यूनिट, तो आंसर 3 यूनिट इज करेक्ट। समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। देखो एक पॉइंट है 3 4, 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 ऐसे कर दे रहा हूँ, 4 1 2 3 4 यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3.4, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी थी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ही तो होगा और ये किसके इक्वल है, जो एक्स की वैल्यू है कितनी है 1 2 3, तो 3 यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो पूछा एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट पॉजिटिव इन, पॉजिटिव किस किस में होते हैं एब्सिसा, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स वैल्यू पॉजिटिव होती है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहां भी कोई पॉइंट आएगा तो क्या होगा एक्स कॉमा वाई, वाई की वैल्यू नेगेटिव, यहां भी कौन पॉइंट होगा इसमें, तो एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव, तो एक्स तो दोनों में पॉजिटिव होता है, यानी कि एब्सिसा दोनों में पॉजिटिव होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है, यही हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन 17, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इतना जल्दी भी नहीं कर रहा, आराम से कर रहा हूँ, ऐसे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजी है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो, मेरे मुझे तो सही लग रही है, हो सकता है आपको, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन जल्दीबाजी में लगाओ कि अरे सर ने वो जल्दी कर दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। 17, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, ये तो जानते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, सबको अच्छे से रटा हुआ है ओरिजिन, जो कि हमें पॉइंट सी में दे रखा है, उसके अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं 0 0, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3। एक्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ऑर्डिनेट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट ये हमें दे रखी है 3, है ना। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस, हाँ अब क्लियर हो गई, वाई एक्सिस पर पड़ता है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 3, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स पूछा है बस, द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड लाई ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर एक्स इज ऑलवेज 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 3। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है 0, 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हमें 2, 8। अब इसका तरीका क्या, एक ही तरीका है, इसके वैल्यू पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दे रखी है 2x+3, तो एक्स के प्लेस पर 2 यहां पुट कर लो, और अगर इक्वल 8 आया था, वाई 8 है ना, तो ये होगा वरना नहीं होगा, रखें तो 2x+3 का मतलब क्या है 2, यही कर दे रहा हूं, चलो फर्स्ट ऑप्शन में 2 × 2 एक्स वैल्यू 2 + 3, तो कितना होगा 4 + 3 = 7, जबकि वाई की वैल्यू क्या है 8, तो ये आंसर नहीं हुआ। बी ऑप्शन दे रखा है हमें 3, 9, रख के देखें 2 × 3 + 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 + 9 हो गए 15, जबकि वाई की वैल्यू चाहिए हमें 9, तो ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी देखें, सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है 4, 12, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है 4, 12 नहीं है सॉरी, तो देखो क्या है 2 × x, एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की, मुझे कुछ मैंने गलत करा क्या, कुछ गलत कर दिया, यहाँ 9 क्यों लगा दिया, 2x+3 होगा तब भी नहीं होगा ना, ये 2x+3 वाई की वैल्यू क्यों पुट कर दी, 2x+3 सॉरी 6 + 3 = 9, चलो तब भी वाई की वैल्यू 9 ही आ रही है, तो ऑप्शन बी सही हो गया, तो ओके ऑप्शन बी सही हो गया, मैं थोड़ा गलती कर दी थी, देख लो दोबारा से, देख लो से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैसे दोबारा समझो, देखो एक्स के प्लेस पर हमें केवल क्या पुट करना है एक्स की वैल्यू, तो 2 × 2 + 3, 2 × 2 = 4, 3 = 7, जबकि वाई की वैल्यू इस हिसाब से 8 आ रही है जबकि 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसे दोबारा समझ लो, ऑप्शन में पॉइंट दे रखी थी 3, 9, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है वाई इज इक्वल 2 × x, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस इक्वेशन तो ये 3, तो ये क्या हुआ 3 × 2 = 6 + 3, तो वाई की वैल्यू 9 आ गई, और वाई की वैल्यू 9 ही दे रखी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन वाई इज इक्वल 3x + 4, कौन सा लाई नहीं करता, इसमें 3 से आंसर आ जाएगा, 1 से नहीं आएगा। पहला ऑप्शन दे रखा मैं 1, 7, पुट करते हैं वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो बस एक्स की जगह हमें 1 पुट करना है, 3 × 1 + 4, तो ये 7 आ गया, तो इक्वल वाई की वैल्यू 7 ही है, देखो ये एक्स और वाई तो था, वाई की वैल्यू 7 आ गई, तो ये तो पड़ता है, ये आंसर नहीं हुआ, कौन सा लाइन नहीं करता ये बताना हमें। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2, 10, ये भी हो गया, कैसे वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स के प्लेस पर 2 रख दें, 3 × 2 + 4, 3 × 2 = 6 + 4 = 10, 10 आ रहा है, वाई की वैल्यू 10 ही है, तो ये भी होगा। सी ऑप्शन दे रखा है 5, 7, तो वाई की वैल्यू देखें क्या होगा 3 × 5 + 4, तो ये क्या हो गया 5, 3 = 15 + 4 = 19, जबकि वाई की वैल्यू 7, तो ये आंसर हुआ, ये दोनों पॉइंट होंगे, ये नहीं होगा, तो ये पूछा था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ गई, इसमें ये पूछा है कि कौन सा पॉइंट लाई नहीं है, आंसर तो डी दे रखा है 20 का, तो हमारा कैसे आ गया सी, कहीं मिस्टेक फिर कर दिया है, सी के पॉइंट देख लूँ मैं ऊपर नीचे उतर लेता हूँ 20, 20, हाँ मैंने ऊपर नीचे कर लिए, सही कह रहे हो, ये मैंने सी पॉइंट 21 के ले लिए, क्या करता हूँ यार, 20 क्वेश्चन नंबर 20 के सी पॉइंट ये हैं, एक मिनट देख करते हैं, मैं दोबारा से कर देता हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, देखो ए ऑप्स पहले तो इक्वेशन लिख दें इसकी, वाई इज इक्वल 3x + 4, ऑप्शन ए के पॉइंट दे रखे थे 1, 7, तो हमने y की वैल्यू निकाली, इससे 7 आने चाहिए, पुट करें इसमें
थ्री एक्स की वैल्यू क्या है 1 + 4, इसका मतलब क्या है 3 + 4, y की वैल्यू 7 आ गई, तो ये तो लाई होगा क्योंकि y की वैल्यू सही आ रही है। b था 2 10, तो x बराबर 2 पर y बराबर 10 आना चाहिए। देखें 3x, 3x का मतलब 3 × x, तो 3 × 2 + 4, तो 6 + 4 = 10 आ गया और y की वैल्यू 10 है, तो ये भी ऑप्शन होगा। c देखें, मतलब ये उस लाइन पर है, कौन सा नहीं है ये बताना है। सी हमने नीचे वाला क्वेश्चन में बता ली थी, जबकि इधर की -1 1, तो y इज इक्वल टू देखा था 3x, तो x की वैल्यू -1 है +4, कितना हो गया -3 + 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये भी होगा, y की वैल्यू 1 आ गई, तो बच्चा लास्ट में डी, तो ये आंसर हो गया, ये लाइन नहीं होगा। चेक करा देता हूं, डी के ऑप्शन दे रखे हमें 4, 12, तो y की वैल्यू क्या होगी 3x + 4 था, 3x वैल्यू 4 है +4, 12 + 4 = 16, जबकि y की वैल्यू ही क्या है 12, जबकि आ रही 16, तो ये ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये पॉइंट 4 12 जो हमें लाइन गिविन है उस पर नहीं होगा, डज नॉट लाई ऑन द गिविन लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेंगे, वो कौन से होते हैं जिसमें एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू जीरो हो, तो ये तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में पड़ेगा, प्लस माइनस किस में होता है बताओ भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये आंसर नहीं हुआ। बी ऑप्शन दे रखा है -3, 4, ये भी क्वाड्रेंट पड़ेगा, माइनस प्लस किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। थर्ड 5 7 बोथ आर पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा, है डी, तो बचा डी, डी हुआ आंसर। इसके वैसे कोऑर्डिनेट्स देखें 0, 3, ये कहाँ पड़ेगा, y की वैल्यू दे रखी है तो ऑन y एक्सिस, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर, y एक्सिस पर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हैविंग वर्टेस 0 6 0 0 6 0, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब वर्टेक्स दिए होंगे तो ऐसे दिए होंगे जो आप ओरली रफली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो 0 0 होता है ना, तो ये तो O दे रखा है 0 0, A के देखें 0 6, तो 0 6 मान लो ये है, ये पॉइंट A, हुज कोऑर्डिनेट 0 6, 0 6 से मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, y की डिस्टेंस कितनी होगी 6 है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये तो मतलब है, और एक पॉइंट दे रखा है B 6 0, ये हो गया B, हुज कोऑर्डिनेट 6 0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 6, और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ, तो कैसा ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल, इसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस, OB की वैल्यू 6 और हाइट भी 6, 2 से 6 3 बार, और 6 3 जा कितना हो गया, 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि ऑप्शन सी में हमें गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। तो ये मल्टीपल चॉइस वाली एक्सरसाइज चैप्टर 5 की कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा। ये चैनल आप लोगों के लिए बना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है दूर करी जाएगी। हाँ, कभी कभी हो जाता है, हम कभी कभी लेट हो जाते हैं, एक दिन दो दिन कुछ काम हो जाता है हमें भी, क्योंकि हम स्कूल में भी टीचिंग करते हैं ना, तो समय कम होने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रॉब्लम सेम डे सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो कभी ऐसा हो जाए तो आप वेट करिए, एक दो दिन के अंदर आपकी हर कीमत पर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो बात लग रही, तो आपकी जो भी किसी भी चैप्टर में, ये नहीं कि इसी चैप्टर में, आप किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम हो जो हो चुके हों आर एस अग्रवाल के या ना हो चुके हो, आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करके अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।